हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल और मैं आप लोगों के साथ हूँ सना। दोस्तों, आपने यूट्यूब पर काफ़ी सारे वीडियो देखी होंगी टमाटर पैटर्न पे, कहीं पे गेट पर्दा, कहीं पे तोरण, कहीं पे थालपोश, कहीं पे बेडशीट वगैरह वगैरह। पर मैं इन सब चीज़ों से हट के आप लोगों के लिए झूमर का डिज़ाइन लाई हूँ। तो आज की वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं टमाटर पैटर्न पर झूमर का बिल्कुल न्यू डिज़ाइन। दोस्तों, आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर करिए। तो वीडियो को चलिए शुरू करते हैं। तो हमने पैटर्न बनाने के लिए जो भी मटेरियल यूज़ किया हमने उसका कैप्शन स्क्रीन पे दे दिया है। तो सबसे पहले हम इसको क्रोशिया से बुनेंगे। इसके लिए हमें धागे को लेके अपनी उंगली में एक सर्कल बनाना है, फ्री सर्कल बनाना है और एक राउंड लेते हुए हम इसको टर्न कर लेंगे दूसरे हाथ में और इसमें हम 10 बार सिंगल क्रोशिया बनाएंगे। दोस्तों, हम इसमें 10 टाइम सिंगल क्रोशिया बनाएंगे और पूरे पैटर्न में हम सिंगल क्रोशिया ही बनाएंगे। डबल क्रोशिया का यूज़ हम बिल्कुल भी कहीं पर भी नहीं करेंगे। तो फ्रेंड्स, वीडियो को स्किप बिल्कुल भी ना करें और वीडियो अच्छी लगे तो लाइक शेयर भी ज़रूर कर दीजिए। यहाँ पे हमने 10 टाइम्स बना लिया है और यहाँ पे जो हमारा धागा यहाँ पे निकला हुआ है इसको हम खींचेंगे और इस सर्कल को छोटा कर लेंगे और जो हमारा ऊन निकला हुआ है इसको काट के अलग कर देंगे और जहाँ पे हमने 10 बार बुना था इसमें तो हम एक प्लेस में 2 बार सिंगल क्रोशिया बुनेंगे। तो हम सेम प्लेस में 2 बार सिंगल क्रोशिया डालने वाले हैं। इसमें ध्यान से आप देखिए वीडियो को, देखिए हमने यहाँ पे 1 प्लेस में डबल क्रोश 2 बार सिंगल क्रोशिया डाला हुआ है। दोस्तों, इस प्रोसेस को हम बस एक ही रो में रखेंगे स्टार्टिंग में ही और आगे की जितने भी हमारे रो होंगे वो सिंगल ही क्रोशिया में होंगे। इस तरीके से हम एक प्लेस में 2 बार डालते हुए अपना एक रो पूरा करेंगे। यहाँ पे हमने अपना एक रो कंप्लीट कर लिया है। अब इसके आगे जितने भी हमारे रो होंगे वो एक प्लेस में एक ही बार सिंगल क्रोशिया में होंगे। तो इस तरीके से हम इसको 10 लाइनों में बीनेंगे। जब हमारी 10 लाइनें कंप्लीट हो जाएंगी उसके बाद हम इस सर्कल को छोटा करेंगे, मतलब इसके होल को छोटा करेंगे। ये पूरा बनने के बाद एक बास्केट के जैसा बन जाता है। उसके बाद हम उसमें कॉटन फिल अप करेंगे, उसके बाद उसके होल को बंद करेंगे। ये देखिए यहाँ पे मैंने 10 रो बुन लिया है। 10 रो बुनने के बाद हम इसमें कॉटन डालेंगे। तो हम इसको सबसे पहले इसके होल को छोटा कर लेते हैं, कॉटन डालने में थोड़ी आसानी होगी हमें। इसके होल को छोटा करने के लिए हमको एक साथ 3 फंदे को लेके एक ही में बुनना पड़ेगा। देखिए इस तरीके से हम 3 फंदे को लेके एक ही साथ बीन देंगे। ऐसा करने से ये हमारा होल छोटा होता चला जाएगा और हमें फिलअप करने में, कॉटन फिलअप करने में आसानी होगी। इस प्रोसेस को हम 3 रो में कंप्लीट करेंगे। 3 रो बुनने के बाद हमारा होल छोटा आ जाएगा, फिर हम उसमें कॉटन डालेंगे। ये देखिए कितना अच्छा बन गया है। अब इसमें हम कॉटन डालेंगे। हम इसमें थोड़ा थोड़ा कॉटन करके डालेंगे।
दोस्तों वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें, और मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए और बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिए, ताकि मैं कोई आगे वीडियो अपलोड करूं तो उसका नोटिफिकेशन आप तक पहुंचे। तो हम उसी स्टेप को फॉलो करते हुए इस होल को भी ऐसे ही बंद कर देंगे। एक बार तीन तीन फंदे को एक ही साथ बुनेंगे, उस तरीके से हमारा ये सारा होल बंद हो जाएगा और हमारा टोमेटो का पैटर्न बन के रेडी हो जाएगा। अब हमारा ये सारा होल बंद हो चुका है, तो हम उनको अलग कर लेंगे इससे काट के, और जो हमारा कटा हुआ थोड़ा सा बचा था उसको हम हाइड कर लेंगे अंदर की तरफ। इसको बाउंस देने के लिए थोड़ा सा हाथ से रोल कर देंगे। ये देखिए हमारा सारा बन के तैयार हो गया, और हमें पूरे झूमर को बनाने के लिए 24 पैटर्न को चाहिए, तो हमने पूरे पैटर्न को बना लिया है। देखिए कितना खूबसूरत लग रहा है, बिल्कुल टमाटर के जैसा लग रहा है और लीची के जैसा भी लग रहा है। आप इसको कोई भी नाम दे सकती हैं, लीची या पैटर, टमाटर, कुछ भी। देखिए कितना खूबसूरत लग रहा है दोस्तों। वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक ज़रूर करिए, और आगे का प्रोसेस आपको म्यूज़िक में ही देखना पड़ेगा।